सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5, जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ नंबर 3, बस की यात्रा। बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये, तो अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का प्रथम भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। बच्चों, व्यंग्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि उसे इस प्रकार घुमा फिरा कर कहते हैं कि सामने वालों को बुरा भी ना लगे और हमारी बातों को भी वह समझ जाए। तो आपके मन में भी तो ये प्रश्न आया होगा ना कि व्यंग्य होता क्या है। तो अब समझ में आया कि व्यंग्य क्या होता है। व्यंग्य होता है उसमें हम बातों को सीधे सीधे नहीं कहते, बल्कि घुमा फिरा के बोलेंगे सामने वाले को, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा और वो हमारी बातों को भी समझ जाएगा। जैसे आपको बहुत कॉमन सी बात बताऊँ कि कई बार मान लीजिए कि आपके घर में ही आपकी कोई पैंट छोटी हो गई हो और आप उसको पहन के घूम रहे हो, तो आपके पापा या कोई अंकल या कोई मम्मी वगैरह यही बोलेंगे, भाई तुझे इससे बड़ी पैंट नहीं मिली थी क्या? तो ये क्या हुआ? ये एक व्यंग्य हुआ। तो आपको शायद बुरा भी नहीं लगेगा और आप समझ जाओगे कि हाँ, मैंने कुछ गलती की है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं वो छोटे हो गए हैं। इस पाठ में भी लेखक व्यंग्य का प्रयोग करते हुए भारत की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था यानी जैसे जो हमारी ये बसेस हैं और ये जितने भी जैसे मेट्रो हैं, ये सारे क्या हैं? सार्वजनिक परिवहन हैं जिनका सब लोग यूज़ करते हैं। आइए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को तो सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह तो बस पूजा के योग्य थी, अब उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो देखिए, आपको शायद समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसमें जो लेखक हैं बहुत ही मजाकिया ढंग से, व्यंग्य के ढंग से एक बस का वर्णन दे रहे हैं कि वो बस बहुत ही पुरानी थी, बिल्कुल पुरानी, और उस पर जो भी डेंट वगैरह और खरोंच के निशान सारे के सारे आज भी वैसे के वैसे ही लगे हुए थे। जो लिखा है ना कि बस को देखते ही श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी हमने हाथ जोड़ लिए बस को देखते ही, और देखा तो खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी थी। फिर सदियों के अनुभव के निशान कर लिए हुई थी, मतलब कि उस पर सारे डेंट वेंट खरोंच वरोंच सब कुछ पड़े हुए थे। तो लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा, मतलब कि लोग इसलिए नहीं समझ मतलब इसमें सफ़र करना चाहते थे कि भैया अगर इसमें और चढ़ गए तो पता चला ये और टूट फूट जाएगी। यह बस पूजा के योग्य थी, मतलब एक तरफ इसको तो ले जाके कोने में खड़ा कर देना चाहिए, और फिर उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो तभी उन्होंने बोला कि भाई इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, इतनी पुरानी और बिल्कुल खटारा बस पर। तो ये था
आज का प्रथम भाग। अब इसमें कुछ शब्द आप देखेंगे कि पीले रंग से हाइलाइटेड हैं, तो चलिए अब हम उनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। शब्द मित्रता, पहला शब्द है हाजिर। हाजिर का मतलब है मौजूद या उपस्थित। फिर दूसरा शब्द है डाकिन। डाकू का शब्द का स्त्रीलिंग रूप, यानी डाकू हम पुरुष को कहते हैं, तो जो अगर स्त्री डाकू होगी हम उसको डाकिन कहते हैं। फिर एक शब्द आया वयोवृद्ध। वयोवृद्ध का मतलब बड़ी आयु वाला या वाली। और उसके बाद एक शब्द था वृद्धावस्था। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। अब इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो इसका उत्तर जो मुझे समझ में आया वो यह है कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पन्ना से केवल एक ही कंपनी की बस सतना के लिए मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन तक पहुंचा देती है, और इससे वह सुबह तक अपने घर भी पहुंच जाते। तो इसका आप ये देखिए, पन्ना से सतना, ये मध्य प्रदेश में दो जगहें हैं पन्ना से सतना पहुंचने, और दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी है, डिस्टेंस भी है, ठीक है? तो इसलिए ये दो नाम आए, पन्ना और सतना। फिर दूसरा प्रश्न है कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को यह सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी और रात के अंधेरे में यदि वह खराब हो जाए तो उसे ठीक भी नहीं किया जा सकता था, और रास्ते में फिर कुछ भी मुश्किल भी हो सकती थी। फिर तीसरा प्रश्न है कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही हैं, अब आप उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। वहाँ तो व्यंग्य रूप में कहा गया है। तो जब लेखक ने बस को देखा तो उसे पता चला कि वह बहुत ही पुरानी बस थी, खटारा बस, टूट फूट के सारे निशान उस पर लगे हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ही अधिक पुरानी हो गई थी। उसे तो केवल बस एक कोने में ही खड़ा कर देना चाहिए था, फिर ऐसे में लोग कैसे उससे सवारी कर सकते थे। और जो चौथा प्रश्न है, गतिविधि है, ये बहुत ही मज़ेदार है। देखिए क्या है, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकीय लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। यानी कोई भी आप एक चीज़ को ये मान लें कि वो कोई व्यक्ति है और आप उससे बातचीत करें और बहुत ही मजाकिया लहजे में बातचीत करें, बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है ये। तो जो मेरा जो एक सुझाव है वो मैंने लिखा है, आप इसमें अपना, आप कोई भी सामान के साथ अपनी बातचीत को लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है कि ए अलमारी, तुम कितने सालों से एक ही जगह पर एक ही कोने में ऐसे ही खड़ी हुई हो, अपने अंदर तो सामान भरे ही हुए हो, साथ में अपने सर पर भी भोजा रखे हुए हो, जैसे कोई कुली अपने सिर पे सामान रख के खड़ा हो। क्या कभी थकती नहीं हो? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लगती? चारों पैरों पर इस तरह सीधी खड़ी रहती हो जैसे कोई सेना का जवान हो। अगर थोड़ी थकती हो तो कभी कभी आराम भी कर लिया करो। चाहो तो दो पैरों को थोड़ा सा झुकाकर खड़ी हो जाया करो तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, और अगर कभी ज़्यादा ही थक जाओ तो बैठ जाया करो। क्या हुआ अगर ऊपर का सामान जो रखा है वो गिर ही तो जाएगा, लेकिन कम से कम तुम्हारी थकान तो मिट जाएगी। तो है ना ये मज़ेदार एक्टिविटी, आप भी ऐसा ही कुछ इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी अब समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।